विराट कोहली से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक और शाहरुख खान से लेकर इलॉन मस्क तक हर कोई इस चीज में बिलीव करता है। यही वो चीज है जो इनको बाकी आम जनता से अलग बनाती है। आज ये सब लोग अपने अपने फील्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इन सब में कॉमन कनेक्टिंग फैक्टर क्या है? ये फैक्टर है द सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में इन सारे लोगों ने कई सारे इंटरव्यूज में बात की है। एक ऐसी चीज जिसपे हजारों सालों से रिसर्च हो रही है, जिसके कई सारे प्रूवन एग्जांपल्स है और कई सारी हैरान करने वाली स्टोरीज भी। लेकिन ये काम कैसे करता है और इसका अपनी खुद की लाइफ में सही से यूज कैसे करना है, ये आपको जानने मिलेगा इस वीडियो में। तो अभी क्या इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। इस वीडियो में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर करूंगा जो आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाननी चाहिए, और इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले सवाल पे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो बेसिकली दो चीजें होती है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है आप जिन भी सारी चीजों को देख रहे हो, जैसे परसीव कर रहे हो उस पे। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको बचपन से कोई एक टेक्निक सिखाई जा रही है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसी लाइन पे सोचेगा। वो दाएं बाएं नहीं जाएगा और नया रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड इसी वजह से होता है कि उसे एक लाइन पे एक पाथ पे सोचना है। और वही सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मेमोरीज, आपके इमोशन स्टोर होते हैं। ये आपके थॉट्स, आपके रिएक्शन और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। अब मैं आपको एक खुद की स्टोरी बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जब मैं स्कूल में था तो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो भी मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बुली करते थे। बेवजह का गाली गलौज, मारपीट और सबके सामने आपका मजाक उड़ाना, ये बहुत कॉमन चीज हो रही थी। अब उस टाइम में मैं अंदर ही अंदर उन सारी चीजों को सहता रहता था, और मैं काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट भी था, तो मैं इन सारी चीजों के बारे में किसी से बात भी नहीं करता था। तो बेसिकली उस टाइम पे एक फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को पावर की इंपॉर्टेंस समझी, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वहाँ पे मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चला कि लाइफ में पैसे का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। तो बचपन में जिन भी सारी चीजों को मैंने फेस किया, वैसे मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होते गया। अब उसे इंपॉर्टेंस पता चलने लगी थी पावर और पैसे की। और वो लोग कहते हैं ना कि जिस चीज को तुम पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। शायद ऐसा ही कुछ तो डायलॉग था। एनीवेज, वो चीज आई फील सच है। पावर और पैसे की कमी ने मुझे इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है कि मैं आज एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हूँ। और इस चीज में सबसे बड़ा हाथ था मेरे सबकॉन्शियस माइंड का, जो बस बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रहा था तब जब मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देख रहा था। मैं कभी कुछ लोगों को बोल के नहीं दिखाता था, बट कई सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। और अगर आप नोटिस करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कई ज्यादा गुना फास्ट है। ये इन्फॉर्मेशन को काफी ज्यादा फास्टर रेट पे प्रोसेस करता है, इसीलिए तो कई बार आपके ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई आज तक उसे ठीक से समझ नहीं पाया। और तो और, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अगर सो जाऊंगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम करता है, इट ऑपरेट्स 24/7। आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने निकोला टेस्ला के बारे में तो सुना ही होगा। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने सारे इन्वेंशंस अपने ड्रीम में कंप्लीट किए हैं। ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है कि कोई बंदा कैसे अपने ड्रीम में किसी चीज को इन्वेंट कर रहा है, उसे डिजाइन कर रहा है और उसे टेस्ट करके देख रहा है। वो कहते थे कि मैं सोते वक्त अपने सारे इन्वेंशंस की टेस्ट करता हूं, और उसमें जो भी फ्लॉज आए वो मैं नेक्स्ट डे सुधारता हूं। इस चीज से आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की पोटेंशियल का अंदाजा लग जाएगा। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये रहा मेरा बोर्ड जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली इस साल जनवरी में लिखा था कि 2023 के एंड तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो कब अपलोड हुई है वो चेक करो, और मेरा सब्सक्राइबर नंबर चेक करो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो सोचते हो वैसा ही होता है, ये मैंने सीखा था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इस बुक से। आपका ब्रेन किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन अगर इसे सही से प्रोग्राम नहीं किया तो ये आपको लेके डूबेगा। इसे सही से प्रोग्राम कैसे करना है ये मुझे इस बुक ने सिखाया। ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। जितनी भी चीजें मैंने आज तक अचीव की है इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से अचीव की है, और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा आलसी इंसान हूँ। बुक्स पढ़ने में और उन्हें कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, इसलिए मैं इसकी ऑडियो बुक सुनता हूँ कुकू FM पे। आपने ये चीज नोटिस की रहेगी, मोस्टली न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लोग रीडिंग की हैबिट को इंक्लूड करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं। एक एवरेज रीडर मंथ में सिर्फ 2 बुक पढ़ता है, लेकिन कुकू FM यूजर 5 ऑडियो बुक कंप्लीट करते हैं। मुझे खुद को ऑडियो बुक सुनना पसंद है। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी ज्यादा बार आप इन्हें सुनोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग को इन्हें समझने में आसानी होगी। मैं खुद रात को प्रेफर करता हूँ कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहकर अपने माइंड को थोड़ा नरिश करना, और ये चीज मेरा स्क्रीन टाइम कम करने में भी बहुत हेल्प करती है, जो आजकल के यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी डाउनलोड करो कुकू FM, और मेरा कूपन कोड VKYT50 यूज करके आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा फॉर द फर्स्ट मंथ। दोस्तों के साथ जाते हो तो इससे ज्यादा पैसे उड़ा देते हो। ये एक ऐसी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो आपका अगला साल पूरी तरह बदल सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड और
कॉन्शियस माइंड में बेसिक डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एसोसिएटेड होता है आपके अवेयरनेस, लॉजिक और रीजनिंग से। अवेयरनेस यानी जो चीजें हमें हमेशा से मालूम होती है, जो चीजें हमारे आसपास हो रही है या जिन चीजों को हम लोग देख सकते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। लॉजिक ये वो हिस्सा है जो हमें समझने में हेल्प करता है कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। रीजनिंग हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करके किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये सारी चीजें आती है आपके कॉन्शियस माइंड में। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में क्या आता है? सबकॉन्शियस माइंड आपकी ऑटोमेटिक प्रोसेसेस और इमोशंस ऑपरेट करता है। ये चीजों को एक स्ट्रेट लाइन में नहीं देखता, इसके बाउंड्रीज और रूल्स डिफाइंड नहीं होते और ये इसकी सबसे बड़ी पावर है। यानी सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है रूल तोड़ के काम करने में। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये हमेशा एक्टिव रहेगा और बैकग्राउंड में इसकी खुद की प्रोसेसेस चलती रहेगी। और अगर आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कंपेयर करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ज्यादा है, और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड जितना टाइम एक्टिव रह रहा है वो भी आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा है। ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर विनर बनाती है। लेकिन आप समझते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। आप डायरेक्टली इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आपने एक चीज के बारे में तो सुना ही होगा जिसे कहते हैं अफर्मेशंस, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस जिन्हें आप बार बार रिपीट करते हो ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। ये एक सबसे मेजर ड्राइविंग फैक्टर है सबकॉन्शियस माइंड का। उसके बाद आता है मेडिटेशन। हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से, जब इन फिरंगियों को मेडिटेशन के बारे में पता भी नहीं था, तब से हमारे इंडिया में मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस लोगों को पता है। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद आप और एक चीज ट्राई करके देख सकते हो जिसे कहा जाता है जर्नलिंग, यानी किसी भी बुक और डायरी में आपके दिन में जो भी हुआ वो सारी चीजें लिखो, और चाहे आपने कुछ सही किया हो गलत किया हो दोनों चीजें आनी चाहिए। इससे आप अपने थॉट्स को और बेटर तरीके से समझ पाते हो और सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जिन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली में काम करता है। तो 1995 में सबकॉन्शियस माइंड पे एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी जिसे कंडक्ट किया था डॉक्टर हेनरी के बीचर ने, जिसमें लोगों को पहली बार सबकॉन्शियस माइंड के पावर की असली पोटेंशियल पता चली। इसमें 1000 पेशेंट्स पे 26 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए जिसमें लोगों को मेडिकेशन के तौर पे सिर्फ सलाइन के इंजेक्शन दिए गए, लेकिन उन्हें कहा गया था कि एक ऐसी दवाई है जो आपके सारे डिजीजेस दूर कर देगी। और रिसर्चर्स इस चीज को देख के पूरी तरह हैरान हो गए कि उनमें से कई सारे लोगों की बीमारी एक्चुअली में दूर हो गई। इसमें से छोटी से छोटी बीमारी जैसे कफ, कोल्ड से लेकर कैंसर तक भी शामिल था। तब इस चीज को नाम दे दिया गया प्लेसिबो इफेक्ट, यानी अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस कर पाए कि ये चीज काम करेगी या फिर मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूं, तो आपके दिमाग की पूरी पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगी और वो अपनी सारी पावर लगा देगा उसे अचीव करने में। इस रिसर्च पेपर को आप जाके पढ़ सकते हो, इसे कहा जाता है द पावर प्लेसिबो। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियल लाइफ में हेल्प कैसे कर सकता है। ये आपके प्रॉब्लम्स को किसी अलग ही लेवल पे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसका कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और आप उसे सॉल्व ना कर पाओ, तो इस चीज को ट्राई करके देखना। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके बारे में सोचना, थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो और बाहर नेचर में जाओ या फिर एक वॉक के लिए जाओ। और आपको याद रखना है, उस प्रॉब्लम के बारे में जरा सा भी नहीं सोचना है। कंप्लीटली आपके माइंड का कंट्रोल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। बस थोड़ी देर में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फटाक से मिल जाएगा, क्योंकि आप भले कॉन्शियसली उस चीज के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा टाइम उस चीज के बारे में सोच रहा था और उसी ने आपके सामने एक सोल्यूशन ला के रखा। ये चीज शायद आपके साथ पहले भी कई बार हुई होगी, लेकिन आपने कभी इसको बारीकी से नोटिस नहीं किया। ऐसी एक चीज हुई थी क्रिस्टोफर नोलन के साथ, जिन्होंने इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज बनाई है। आपने नोटिस किया रहेगा उनकी मूवीज नॉर्मल नहीं होती, उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट होता है, उनकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग होती है और उन्हें समझना किसी आम इंसान की बात नहीं है। आपको कई बार वो मूवी एक से ज्यादा बार देखनी पड़ती है ताकि आप उसको ठीक से समझ पाओ। अब इंसेप्शन एक ऐसी मूवी थी जिसमें ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स का एक कॉन्सेप्ट था। अगर आपने उस मूवी को देखा होगा तो आपको समझ ही आया होगा कि उसकी स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और क्रिस्टोफर नोलन ने खुद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसकी स्टोरी लिखते हुए मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई, क्योंकि ड्रीम के अंदर ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा नया था और जिसे पहले कभी किसी ने किया नहीं था। लेकिन इस चीज को एग्जीक्यूट करने में उनके सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और आज उन्हें लोग दुनिया के सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक मानते हैं। ये पावर होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, इन सारी चीजों के साथ साथ एक और चीज करना, अगली बार आपके लाइफ में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आया और आपको उसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो बस थोड़ा रुक के एक ब्रेक ले लेना। आप अगर अपने दिमाग को फोर्स करोगे तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे। उससे कई गुना अच्छी ये चीज है कि उसे फ्री छोड़ दो, उसको अपने कंप्यूटेशंस कैलकुलेशंस करने दो और जैसे ही उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपका फ्यूचर और आपकी सक्सेस आपके हाथों में है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसीलिए लास्ट में मैं आपको एक और बार याद दिला दूं, कुको एफएम पे जाके एक बार तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये ऑडियो बुक जरूर सुनना, ये आपकी लाइफ पूरी तरह बदल के रख देगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए keep inspiring।